मैं क्या कह रहा हूँ, अजमेर जिले में सबसे अलग बनेगा गब्बर डीजे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गब्बर डीजे व्लॉग में। और आज जो महेंद्र भाई का जो व्लॉग है, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी फिलहाल हमें रायला के आसपास है, 1-2 किलोमीटर के एरिया के अंदर है। और अभी रायला जाएगा और वर्कशॉप में जाके ये देखेगी वहाँ पे कौन से डीजे, उस डीजे का आपको व्लॉग बना के दिखाएगी। महेंद्र जी चला रहे गाड़ी। हाँ महेंद्र जी, आज भाई साहब आप रायला पहुंच बड़ा, मैं ड्राइव कर रही हूँ, व्लॉग स्टार्ट नहीं करी हूँ, वह ड्राइव कर रही हूँ। धर्मेंद्र जी स्टार्ट करी है व्लॉग ने और मैं पहुंच बड़ा हाँ रायला। और रायला पहुंच देने बड़ा हूँ, दिखावा आज की डीजे की और लिफ्ट वाला न्यू मॉडल कौन कौन से देखवा भी चला। पर आपने गाड़ी बनवा नहीं तो देख रहा हूँ कैसे किसी मॉडल है जो पसंद आए आपने, कहने की अपनी गाड़ी बनानी है नहीं बनानी है। तो मैं रायला आ चुकी और रायला अब देखा वर्कशॉप पर जा मिला था। तो भाई जब आ गए रायला वर्कशॉप पे, देखो वर्कशॉप पे आ गए रायला। यार ये क्या कर दिया आपने? और यार ये खड़ा कैसे कर दिया? तो गाइस अभी हम आ चुके हैं राज डीजे रायला और महेंद्र जी आगे दिए हुए। और यहाँ पे कौन से डीजे बन रहा है वो आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे। लिफ्ट वाला सिस्टम यहाँ पे चालू कर दिया और जो यहाँ का ओनर है राजू जी, उनसे भी आपको मिलवाएंगे और पूछेंगे कौन सा सिस्टम यहाँ पे ऑन किया है। तो महेंद्र जी से मिलवाता हूँ पहले। राजू जी क्या कर रहे हो? साउंड सेट कर रहे हो? तो कम्प्लीट हो गई है गाड़ी? बिल्कुल कम्प्लीट है। कम्प्लीट हो गई तो आप सेट करो, तब तक हम पीछे घूमकाते हैं। आपसे कुछ पूछना है हमको। और नरेश जी काम कर रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब राम राम। ये गदूरा है, इधर गदूरा है, उसको देखा था, वो दूर पड़ा है, वो कौन का बन रहा है? तीन भाई साहब का है। और अब हम आपका यहाँ का डीजे उतारने वाले हैं और बहुत जल्द आपको ये बताएंगे कि क्या है क्या सिस्टम नहीं है इस डीजे का। तो ये डीजे एक ही कम्प्लीट है, बाकी तो अधूरा है, अभी काम चालू बन रहा है, ये तो बन रहा है, सब अधूरा है। दोनों इधर भी अधूरा है, ये मैं चेक करता हूँ। इधर कोई डीजे पिकअप नहीं है अभी फिलहाल, इधर कोई भी नहीं है सही। और ये किधर बन रहा है? ये अभी बनने का। और ये बन रहा है, इसकी लिफ्ट सिस्टम भी है तो अभी हम बताएगा आपको इसका लिफ्ट कहाँ से चालू होता है, कहाँ से बंद होता है। तो गाइज ये लिफ्ट वाला डीजे और ये जो लिफ्ट है इसकी, ये देख सकते हो। अभी इस लिफ्ट में लाइटें लगी हुई है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 लाइटें लगी हुई इसमें। और जो तूरी का सिस्टम है ना गाइज, वो पीछे फिट कर रखा है, वो वहाँ से हिलता नहीं है। कहीं कह रिया? हाँ मोहन जी कहीं कह रिया? चला कर गाइज, जो अपना खड़ा ब्लैक घोड़ा। तो गाइज ये है राज डीजे रायला वर्कशॉप और अभी मैं यहाँ पे हूँ, ये डीजे बन रहा है, सब काम चल रहा है। ये भाई साहब देखो, वो नट कस रहे हैं यहाँ पे। और जो लिफ्ट सिस्टम है गाइज, वो ऐसे देख लो आप, इसमें जो सारी LED है वो कस रखी है। और इसको ऊपर जाके देखता हूँ मैं वेट कितना झेल सकती है। गाइज ये देख लो गाइज, इस लिफ्ट के ऊपर मैं खड़ा हो गया, देख लो आप, चारों तरफ से दिखा देता हूँ। ये मेरा वेट तो कम है, बाकी मेरे जैसे 2-3 दिन होने उसका वेट भी झेल लेती है। तो गाइज ये राजू जी जो राज डीजे रायला वर्कशॉप है इनका मालिक, तो इनसे मिलाता हूँ। तो राजू जी आपने जो ये लिफ्ट वाला सिस्टम चालू कर दिया? हाँ जी। तो ये कौन से तरह का लिफ्ट मतलब सिस्टम बना दो आप? वो सिस्टम तो अंदर जाके ऑन करो और वापस जूस पावर दोनों चलती है। तो रिमोट वाला सिस्टम है या फिर अंदर से चलता है? अंदर से चलता है। आप महेंद्र जी पूछोगे आप? चला के दिखाते हैं। चला के दिखा दो। मेरी बात सुनो, इस पर ये बताओ आपकी ये कितना वेट झेल सकता है ऊपर से? वेट तो अपन जैसे कहने वाले आज भी चढ़ जाते हैं, लेकिन तो भी क्या रिस्क रहता है। हाँ कहते हैं ऊपर चढ़ के चलाओ या चलाओ, देखो मेरे को तो नचा रहे, तो लिफ्ट फंस रही है। हाँ वो तो है, जुगाड़ है देखो। तो भी अंदाजे से 100 या 200 किलो वेट झेल लेते हो भाई? ऐसे तो अपने देख लो ना, मैं हूं देख, मेरे वजन होगा कम से कम 85। अच्छा, मैं इसके ऊपर बैठ के आराम से बाहर ऊपर बाहर चल रहा हूं और अंदर चल जाती है आपको वेट को लेके, ऊपर बाहर जाती है। और उसके अलावा तुरिया अलग से एक्स्ट्रा है, तुरिया तो वो पीछे लगी इसमें परमानेंट सेट कर रखी है। परमानेंट इसमें है, वो दूसरी गाड़ी में है ना अपने। हां तो चलते हैं। इसका सिस्टम बताओ मेरे को, ये चालू कहां से होता है और बंद कहां से होता है? राजू जी चालू कैसे होता है ये? चेंजर है। अच्छा, जूस फॉरवर्ड का जूस चलाना है हमारा। ये इधर क्या? अच्छा, ये बंद है और अंदर आ गई है। अंदर है, मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर निकालना वापस एक बार, ये बाहर अंदर एक बार बाहर करना, बाहर निकाल रहा हूँ। अंदर जब चलते तो गाइस हम बता दें हम आपको कि कैसे अंदर और बाहर होती है ये। इसका जो सिस्टम था ना वो अंदर था। हाँ इसको बाहर तो आगे, अंदर लो एक बार स्लिप को। तो ये देखो वापस जा रही है अंदर, ऑटोमेटिक जा रही है अंदर। वहाँ से इसका सिस्टम सारा अंदर लगाया हुआ, वहाँ से इसका वो लगाया हुआ है जो भी है। एक बार इस भाई को ऊपर बैठा के फिर बाहर निकालते इसको। भाई आप बैठ कर आने वापस। राजू जी रुकना एक मिनट, ये बंदा बैठ का आएगा इसमें। थोड़ा सा बाहर निकालो इसको, हल्का सा बाहर करो। हाँ रोक लो। अभी गाइस ये लड़का बैठेगा और फिर इसको बाहर निकालेंगे पूरी। हाँ पूरी निकाल दो, देखते ये वेट झेल पाती है नहीं झेल पाती है। देखो आराम से आ रही है, तो बड़ा मजबूत है। भाई कितना वेट है आप में? 50 किलो। आप जैसे 2 बैठ जाओ तो बाहर आ जाती है।
तब तो अच्छा काम है, फिर मेरे जैसे दो अपन सेम ही हम। हाँ चलो तो गाइस देखो काफी मजबूती से काम किया हुआ है और ये राज जी रायला भैया ऊपर बैठ गए, बाहर निकल गई पूरी है। आप दो जन बैठोगे क्या? नहीं यकीन हो गया मेरे, हाँ आपका तो नाम ही काफी है, नाम ही काफी है, विश्वास होना चाहिए। हाँ वही चीज है बस, आगे से कुछ लेकिन आगे से दिखा देते हैं आपको। आगे देखो इसका अभी इसका काम चल रहा है, काफी काम इसका पेंडिंग में पड़ा है, अभी काम होगा तो अपन दूसरी गाड़ी और इनकी जिनकी अगर वीडियो है वो भी डालेंगे। वो दोनों तरफ से खुलती है, मतलब कि साइडों से भी खुलती है, ऊपर से भी खुलती है, तो वो चीज भी दिखाएंगे। वो इनका पर्सनल डीजे राज डीजे लाइला के नाम से, इनका जो खुद का डीजे ओनर का, वो पहला डीजे बनाया अभी तो वर्कशॉप पे, इनका खुद का डीजे डालूंगा मैं। ये कुछ भी अलग करने ही सोचते हैं ना जब भी, तो मेरे हिसाब से ये इनको खुद के डीजे पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो अभी देखो इस गाड़ी को कंप्लीट है, तो अभी तो हम ज्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे, बाकी काम अधूरा है, पूरा करो। तो रानी एक बार ये बताओ अपने ऑडियंस को कि क्या रेट रेट में पड़ रहा है ये लिफ्ट वाला सिस्टम है जो तुम्हारा, क्या डीजे का कंप्लीट नहीं ये सब बताना, मतलब जो पहले डीजे बनता था नॉर्मल उसकी रेट और इसकी रेट में दोनों के डिफरेंस में क्या है, इसमें जो कितना अंतर आ रहा है दोनों रेट में, बॉडी बॉडी का जो भी बताना। 80,000 रुपए का अंतर आ रहा है, 80,000 रुपए का अंतर आ रहा है, जो पहले नॉर्मल बॉडी बना के ले जाते थे नॉर्मल बॉडी थी उसमें, इसमें कुल मिला के 80,000 से 90,000 का अंतर चल रहा है। अच्छा 80,000-90,000 रुपए महंगी है ये बॉडी। हाँ महंगी है। अच्छा। और कंप्लीट बनाते हैं अपन डीजे पूरा 16 बेस कंप्लीट करके पड़ता है अपने 12.5 से 13.5 लाख के अंदर अंदर, 12.5 और 13.5 के समथिंग। जैसे हल्का सामान डाल रहे हो, कोई सस्ता कोई महंगा कोई उसका पुराना बच्चा, वो अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से जो भी डालना चाहते हैं हिसाब से, और नया परफेक्ट बनाना चाहते हैं बिल्कुल अपने जो कंपनी ब्रांडेड सामान के साथ, तो वो पड़ेगा आपके 14.5 लाख रुपए का 16 बेस। अच्छा ठीक है, RCF का स्पीकर आएगा उसके अंदर, RCF ऑडियो आउट ठीक है ना। एक बार आप भी बोल दो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा और लाइक करें ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ इनके आए और डीजे बनाइए। और ये महेंद्र जी ने गाड़ी तोड़ दी, जो काफी भाई कमेंट आए थे भाई नई गाड़ी का बनाओ, तो इनको आप इनकी गाड़ी बहुत जोरदार बनेगी 2023 का, जैसे धमाका होगा, बहुत ओपनिंग बहुत फुल धमाका होगा, मतलब हमारी जो गाड़ी ने कपड़ी थी इसको सबसे अलग बनाना है, क्योंकि कमेंट इतना आते हैं कि भाई साहब आप गाड़ी बनाते हो तो पता है कि रायला से बनती है गाड़ी, तो और आपके नाम की मतलब कहने जरूरत नहीं है, नाम इतना आएगा आपका तो, बट कमेंट ऐसे आते हैं कि कुछ अलग बनाओ, अपना अलग ही आएगा और सबसे हटके डीजे आएगा अपना, वो अपन बहुत जल्द उतारेंगे मार्केट में 2023 का धमाका करेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं है, अभी तो हम देखने के लिए आए हैं, बात करने के लिए आए हैं, तो हमने आपको दिखा दिया डीजे वगैरह, अब अपन का जो डीजे है ना वो बताएंगे आपको कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी इससे। चाय भी बैठी खूब चला रही हो, काल की रात की भर काल शाम गाड़ी चला रही हो, आज तक गाड़ी चला रही 24 घंटे से गाड़ी चलाता है, पता था मैं ले जाओ इस कार में थोड़ा देर राख हो गए तू ले जा। एक और ले रहा शिफ्ट काल, एक और ले रहा काल शिफ्ट ले रहा कौन ले रहा अपन ले गया बमारी है छोटी वाली गाड़ी सिर्फ वीडियो आई। हाँ बमारी है बार भी हूँ तो बात कर रहे शिफ्ट काल बमारी है। तो गाइस यहाँ का पूरा व्लॉग आपको दिखा दिया और क्या क्या था वो भी आपको पता चल गया, और यहाँ से अब निकलते हैं, इनकी कोई पर्सनल मीटिंग हो रही है, ये अपनी गाड़ी खड़ी है और हमारे साथ में एक जना हो रहा है ये मोहन जी। ओ मोहन जी किससे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ठीक है कर लो हंसो बस आप तो। गाइस जाओ राजू जी आपको परमिशन हो तो परमिशन दो फिर जाएगी, बिल्कुल जाओ होटल में जाओगे। हाँ चाय फिर जाओ होटल पे, एक दिन पहले बाकी की है 5-7 दिन पहले आप मिले नहीं थे वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल आज दो पीजो ठीक आपकी बात है ठीक है भाई। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर पे और मैं बैठूंगा आगे, मनोज जी आप पीछे बैठो थोड़ी देर के लिए, बैठो पीछे जल्दी चला। हाँ चला कट चला चला घरे साइड भी है ना यार, साइड है साइड भी है तो आप जल्दी निकलना पड़ी, चलो टाइम वेस्ट नहीं कर सका अपन, बरात है टेम्पर गाड़ी लगानी पड़ी, तारी गाड़ी पूरी हल रही है। बहुत जल्दी आए गए हम न्यू गब्बर बनाने के लिए यहाँ पे, आज हमारे को हमको पर्सनल बात भी करनी थी वो भी करके आ गए, और आप सब कमेंट कर रहे थे ना गब्बर डीजे कब आएगी, गब्बर डीजे कब आएगी, तो वो आपको पता चल जाएगी थोड़ा टाइम बाद में कब आएगी, तो वो तो बता देंगे ना कब आएगी। तो आज का जो वो लोग इसको यही एंड करते हैं, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाना और वीडियो लाइक करना, वीडियो जगह जगह शेयर करना, क्या सॉरी क्या बोल रहा चलो 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 रुको 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 है? अभी जो राजू जी होटल है ना नई होटल खोली इन्होंने, उनके होटल पे जाएगी फिर एंड करेगा वो लोग, आप बने रहना अभी अभी एंड नहीं कर रहा हूँ मैं ठीक है। तो गाइस हम आ गए अब राज डीजे रायला की होटल पे, यहाँ भाई साहब से मिलते हैं 2 मिनट और फिर निकलते हैं घर के लिए और इस व्लॉग को यही एंड करेंगे। वो अपना ब्लैक और ये वाइट इनका राजू जी का खड़ा है यहाँ पे, राजू जी जो बड़े वाले भाई साहब है ना उनसे मिल के आते हैं, दिख नहीं रहे यार वो दिख रहे हैं, आ जाएंगे अभी देखते हैं कहाँ पे, पहले यहाँ देखो कहाँ पे वो
नहीं दिख रहा है। मैं कॉल करता हूँ। कॉल करो ना। गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। हाँ। गाड़ी यहाँ पे है। गाइस कभी भी आप आओ ना तो ये जयपुर हाईवे ये श्री श्याम होटल है जो राजू जी का इनका खुद का है और राजू जी रायला जो वर्कशॉप है उनका मालिक क्या ये होटल है।